मैं हरियाणा के जाट समुदाय से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो अपने प्रदेश में सबसे ज़्यादा नफरत किससे करते हैं, किस शख्सियत का नाम सुनना उन्हें पसंद नहीं है और कौन सी शख्सियत उन्हें अपने सबसे ज़्यादा खिलाफ नज़र आती है। तो सबसे पहले नाम आएगा राजकुमार सैनी का। राजकुमार सैनी ऐसी शख्सियत है जिनसे जाट समुदाय के लोग नफरत करते हैं, उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं और उनका नाम सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आपको बता दें, राजकुमार सैनी के साथ साथ एक ऐसा नाम भी है जो हिसार और आसपास के इलाके में राजकुमार सैनी से भी ज़्यादा जाटों को चुभता है, जाटों को परेशान करता है और जाट राजकुमार सैनी से भी उससे ज़्यादा नफरत करते हैं। इन शख्सियत का नाम है रजत कलसन। आप इस फोटो को जरा गौर से देखिए। इस फोटो में आपको दो लोग नजर आएंगे। पहले हैं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा और दूसरे हैं रजत कलसन। रजत कलसन को हुड्डा साहब कांग्रेस ज्वाइन करा रहे हैं और ये फोटो, ये ज्वाइनिंग हिसार जिले के जाट समुदाय के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी है, उनके जख्मों को कुरेदने जैसी है और जाट समुदाय की छाती पर दाल पीसने के समान है। जाट समुदाय हिसार और आसपास के इलाके में रजत कलसन के बारे में जो राय रखता है, उसके बारे में आप हिसार जिले के, आप फतेहाबाद जिले के, आप जींद जिले के वोटरों से, जाट लोगों से आप पूछ सकते हैं कि रजत कलसन किस शख्सियत का नाम है, वो उससे क्यों नफरत करते हैं, उनकी क्या कारगुजारी है और जाट वोटरों में उनको खलनायक क्यों माना जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि भूपिंदर हुड्डा ने उन्हीं रजत कलसन को कांग्रेस में शामिल अपने हाथों से करवाया है, उसको गुलदस्ता देने का काम किया है, जिसे उसके ही समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं, जिसके समुदाय के लोगों को जिस शख्सियत ने सबसे ज़्यादा परेशान किया है और वो शख्सियत आज भूपिंदर हुड्डा के लिए एक बड़ी शख्सियत नज़र आ रहे हैं। समझ में नहीं आता कि भूपिंदर सिंह हुड्डा ऐसे काम क्यों कर रहे हैं जो जाट समुदाय को चुभने वाला है, जो जाट समुदाय को खटकने वाला है। पहले तो भूपिंदर हुड्डा की परमिशन के साथ ही राजकुमार सैनी की सपोर्ट इंडिया महागठन में ली। भूपिंदर हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा इस बात से साफ इनकार करते हैं, लेकिन राजकुमार सैनी के साथ इन पत्रकार महोदय की खुली बातचीत को आपको दोबारा सुनना चाहिए, जिसमें राजकुमार सैनी खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि जयप्रकाश ने उनसे मुलाकात की, जयप्रकाश ने इंडिया महागठबंधन के लिए समर्थन मांगा और ये भी कहा कि भूपिंदर हुड्डा की सरकार बनानी है और ऐसे में सरकार बनाने के लिए आपका समर्थन चाहिए। आप इस वीडियो को जरा गौर से खुद ही सुनिए। तो कुछ मांगने तो कुछ गया ही, अगर इस पे भी आपत्ति कोई करेगा ये फिर उसी की सोच जनता देखे। नेता प्रतिपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनसे कोई बात बात हुई आपकी? बिल्कुल हुई। अच्छा हुई है? हाँ? अच्छा, इससे कॉन्फ्रेंस से पहले या कुछ अब बाद में? नहीं, कॉन्फ्रेंस से तो 10 दिन पहले। अच्छा अच्छा, मुलाकातें हुई? हाँ, मेरे पास बहुत दिन पहले जयप्रकाश जेपी जो अपने कलायत वाले हैं वो आए थे। बोले सिनी जी आप समर्थन करो बुड्ढा जी का। मैंने कहा करेंगे, क्या आपत्ति है? मैंने कहा कुछ बात आपसे पूछ लूं। बोले पूछो। मैंने कहा आप सिर्फ हुड्डा जी के समर्थन के लिए क्यों आए कि भाई हमारा मुख्यमंत्री बने, हमें कुछ मान सम्मान और मतलब जो है ना कुछ लाभ मिले। मैं कहा अपने लोग भी है तो बात सोचने होंगे राजकुमार के प्रति। मैं कहा देखिए 90 में से लगभग 30 सीटें हैं आपके समाज की होती हैं, मुख्यमंत्री आपने बनना है, हमें तो आप बनाओगे नहीं, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि आप इस दौड़ के लिए प्रयासरत हैं और हमें सपोर्ट करने में कोई आपत्ति भी नहीं। पर मैं कहा हमारे लोग ये कहेंगे कि भी आप हमें क्या दिलवाएगा राजकुमार सैनी जो अपनी टिकट मांग रहा है। मैंने कहा यार तुम झूठ से ही नाम ले लेंगे, राजकुमार सैनी को ही बनावांगे 10 दिन के लिए, तो ये लोग सोचेंगे यार मारे वाला भी 10 दिन बनाएगा तो थरपा वोट डाल देंगे, फिर बना लियो जिन्हें बनाना होगा। तो आपने डिमांड रख दी क्या? ये मैंने सुझाव रखा था। सुझाव रखा था मैं, डिमांड फिर वही बात आ गई। मैं डिमांड अगर रखूंगा तो अपने कर्म बलबूते रखता हूँ, मैं किसी से क्यों मांगू। फिर आगे बढ़ी वो बात? नहीं, वो फिर आगे बढ़ी नहीं बात। फिर मेरी और हुड्डा जी की आमने सामने बात हुई। कहाँ मुलाकात हुई थी?
वही है, मतलब दिल्ली में। मैंने कहा हुड्डा जी, अगर हमने कांग्रेस को आगे बढ़ाना है और आपने मुख्यमंत्री बनना है तो फिर भाई सबका साथ लेना पड़ेगा। जिस तरह बीजेपी जातिगत रणनीति खेल रही है आपको भी खेलनी पड़ेगी। अगर आप बैकवर्ड क्लास के कुछ वो लोग पकड़े जो टिकट के भूख में है, लेकिन उनसे वो सारे लोग नाराज हैं क्योंकि हमेशा से वो एमपी एमएलए मंत्री तो बनते रहे लेकिन हमारे लोगों की हकदारी कहीं ना कहीं वो ये है। हरियाणा का टेबल जो हाई कोर्ट ने सुप्रीम हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा था, मैंने कहा इस टेबल के मुताबिक। आपने राजकुमार सैनी के मुंह से सुन लिया होगा कि वो खुद कह रहे हैं कि जयप्रकाश उनसे मिले थे, जयप्रकाश के साथ उनकी बातचीत हुई, जयप्रकाश ने जनसमर्थन मांगा, उसके बाद दीपक बाबरिया के साथ राजकुमार सैनी की कई मीटिंगें हुई और उसके बाद इंडिया महागठबंधन में समर्थन देने का ऐलान हुआ। ये सभी जानते हैं कि जयप्रकाश हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा फैमिली का सबसे वफादार नेता है, वो उनके सबसे ज़्यादा गीत गाने का काम करता है और वो उनके कहे बगैर कुछ भी नहीं करता है। अब आप ही बताइए, जिस राजकुमार सैनी को जाट समुदाय अपना सबसे ज्यादा दुश्मन मानता है उसको इंडिया महागठबंधन का समर्थन दिलवाया और अब रजत कलसन के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा ने जाटों के एक बार फिर से जख्मों को खरीदने का काम किया है और ये साबित कर दिया है कि उन्हें जाट समुदाय की कोई चिंता नहीं है, वो जाट वोटरों की परवाह नहीं करते हैं, वो जाट वोटरों कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं और इसलिए रजत कलसन को भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस में शामिल करवाने का काम किया है। खास बात यह है कि दूसरी फोटो में आप देखिए कि रजत कलसन को शामिल करवाने में उदय भान भी शामिल हैं। उदय भान की बात तो समझ में आती है कि वो ऐसी कैटेगरी के नेता के तौर पर पार्टी में काम कर रहे हैं और ऐसे में वो वही करेंगे जो भूपेंद्र हुड्डा चाहेंगे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा का रजत कलसन जैसी शख्सियत को शामिल करवाना एक खराब बात कही जाएगी क्योंकि रजत कलसन को समाज को जोड़ने वाला नहीं बल्कि समाज को बिड़वाने वाले शख्सियत के तौर पर हिसार के लोग जानते हैं। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा का ये व्यवहार और रजत कलसन को इतना बड़ा सम्मान देना, खुद अपने हाथों से उनको पार्टी में शामिल करवाना इस बात का गवाह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट समुदाय के शुभचिंतक नहीं हैं बल्कि वो दुश्मनों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, वो उनकी पीठ पर छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। यानी भूपेंद्र हुड्डा जाटों के शुभचिंतक नहीं हैं बल्कि वो भी जाटों के दुश्मन के तौर पर काम कर रहे हैं। रजत कलसन की कांग्रेस में एंट्री सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के कारण हुई है और भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि राजकुमार सैनी और रजत कलसन के समर्थन को उनका सुपर एजेंडा कहा जाएगा। जहां वो जाहिर तौर पर जाट वोटरों पर अपना हक जमाते हैं वहीं चोर दरवाजे से वो जाटों के दुश्मनों को अपने साथ मिलाने का काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यही भूपेंद्र हुड्डा के दो मुही राजनीति का पर्दाफाश करने का काम करता है और इसे साबित हो गया है कि भूपेंद्र हुड्डा जाटों के नेता नहीं हैं बल्कि वो जाटों का दुश्मन है जो जाटों के विरोधियों को अब प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा की इस दो मुही सियासत को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की जाट विरोधी नीतियों और जाट विरोधी फैसलों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हिसार जिले में रजत कलसन के प्रति जाट वोटरों के व्यवहार को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।